क्योंकि नए सेलर को अगर बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो उसे ऑर्डर बिल्कुल नहीं आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बाय बॉक्स के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। बाय बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिस्टिंग के लिए और ऑर्डर्स लाने के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए। अगर आपकी लिस्टिंग पर बाय बॉक्स नहीं है, जो कि एक नई लिस्टिंग पर ज़्यादातर नहीं होता है, तो आपको ऑर्डर आने में टाइम लगता है। आप कहते हैं ना, मैसेज में मुझे बताते हैं कि सर हमने प्रोडक्ट लिस्ट किए लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आपने क्या चेक किया कि आपको बाय बॉक्स मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? तो इस वीडियो में हम लोग सब सीखेंगे कि बाय बॉक्स कैसे लिया जाता है, कैसे जीता जाता है, हमारी लिस्टिंग को और हमारे ऑफर्स को अमेज़ॉन कैसे आगे दिखाए, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पे चल के सीखते हैं कि कैसे आप भी अपनी लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बाय बॉक्स क्या होता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए, आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर के ऊपर अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन कर रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हेयर ऑयल लिखते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक ऑयल देखते हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हज़ारों में रिव्यूज़ है, किसी पे 50,000 है, 65,000 है, किसी पे 216 है, किसी पे 3,000 है, बहुत सारे रिव्यूज़ है। अब इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा और आपके प्रोडक्ट के ऊपर कैसे ऑफर्स आएंगे, उसके लिए आपको बाय बॉक्स होना बहुत ज़रूरी। बाय बॉक्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। लेट्स से ये इमामी का एक प्रोडक्ट है और यहां पर आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स जो है ना, इसे बाय बॉक्स कहा जाता है। ये बाय बॉक्स मिलता है तभी हमें जो है विजिबिलिटी अच्छी मिलती है और तभी हमें सेल मिलती है। एक नए सेलर को ये तुरंत नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे पता चलेगा कि कोई नया सेलर है। तो हम यहां से न्यूएस्ट अराइवल में जाते हैं और यहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सारे प्रोडक्ट्स अभी अभी रिसेंटली जो है किसी ने लिस्ट किए हैं। आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, नीलम हर्बल। ये देखिए, ये प्रोडक्ट किसी ने नया लिस्ट किया है, जेनरिक में है और यहां पर ऐसी लिस्टिंग जो है नहीं हो रखी है। ये देखिए ऐसी, इसका मतलब क्या है कि इनको बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ है और इसका मतलब ये है कि इनको अभी इतनी सेल्स नहीं आ रही होगी। हो सकता है इनको सेल आ भी नहीं रही हो। तो इसको कैसे जीतना है और कैसे अमेज़ॉन हमें ये देता है, कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हमें भी बाय बॉक्स मिल जाएगा। बाय बॉक्स मिलेगा तो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे और जब बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो इस तरीके से ये दिखता है। अब हमें ये जानना है कि बाय बॉक्स कैसे जीता जाता है, राइट। हमें बाय बॉक्स कैसे मिलना चाहिए। अब आप ये बार बार सोच रहे होंगे कि सर जीतना क्या है इसमें, ये तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर है। तो जीतने से मतलब ये है कि आपके जैसे प्रोडक्ट अगर दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं, बिल्कुल आपके जैसे प्रोडक्ट्स को, तो हर किसी को बाय बॉक्स नहीं मिलता है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके आपको बाय बॉक्स मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा एक बाय बॉक्स जीतने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है, प्राइस योर आइटम्स कॉम्पिटिटिवली। आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 150 रुपये का प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट को आप 250 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बाय बॉक्स उसे ही मिलेगा जो इसको 150 रुपये में सेल कर रहा है। अब आप पता कैसे करेंगे कि आपको जो है आपकी जो लिस्टिंग है उसमें सबसे कम प्राइस क्या है, बाय बॉक्स की प्राइस क्या चल रही है? तो उसके लिए आपको मैनेज प्राइसिंग में जाना पड़ेगा। मैनेज प्राइसिंग कहाँ होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली जो मैनेज प्राइसिंग होती है वो होती है, आप जब यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको प्राइसिंग में आना है और यहाँ पर आपको मैनेज प्राइसिंग मिलेगा। और मैनेज प्राइसिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने ऐसे विंडो ओपन होगी और ये जो प्राइसिंग के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में आपको यहाँ पर जो है नीचे प्राइसिंग, जो प्राइसिंग होगी वो मिल जाएगी। बेसिकली बाय बॉक्स की प्राइस जो होगी वो मिल जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो है प्राइम शिपिंग एंड फ्री शिपिंग। देखिए, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, इन सब के ऊपर आप ज़्यादातर प्राइम शिपिंग देखेंगे। ये तो मैंने न्यूएस्ट अराइवल कर दिया था। हेयर ऑयल को अगर मैं वापस से क्लिक करके देखता हूँ, ये सभी लिस्टिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको प्राइम बैच के साथ मिलेगी, ठीक है ना। और इनके ऊपर आप ये सारे जो टुमारो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है, यानी कि अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर पर है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयरहाउसेस पर भिजवा देते हैं, डजंट मैटर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग एक्सक्लूसिवली अभी की है या आपने नई बनाई है या 2 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, आपके ऊपर बाय बॉक्स नहीं है, आप अगर वेयरहाउस पर भिजवा देते हैं
तो आप बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने वेयरहाउस से करते हैं और आपने सेलर फुलफिल प्राइम ले रखा है तो उसमें भी आप बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाते हैं और आपके प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बाय बॉक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपके ऑर्डर्स लाने में, और एक बार बाय बॉक्स मिल जाता है तो कंटिन्यूटी में आपको ऑर्डर्स भी अच्छे आते रहते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सपोर्ट। देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कस्टमर सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं, हमारा इसमें क्या रोल रहेगा, मतलब हमारे हाथ में तो नहीं है कस्टमर सपोर्ट देना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसको आप अगर टाइम पे शिप करते हैं, आपकी जो लेट डिस्पैच रेट है वो सही होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसका एक क्राइटेरिया रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो भी आपका सही होना चाहिए। और तीसरी कैंसलेशन रेट, इन तीनों चीज़ों को आप अगर मेंटेन करके रखते हैं तो ये कस्टमर ग्रेट कस्टमर सपोर्ट का एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होता है और इस वजह से अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स के ऊपर बाय बॉक्स दे देता है। तो अगर आप रेट देखना चाहते हैं कि आपको कितने परसेंट मेंटेन करनी है तो आप परफॉर्मेंस में जाके अकाउंट हेल्थ पर अगर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आपको कितने पॉइंट्स कितने परसेंटेज में रखना है। तो इन चीज़ों से आप अपनी मैट्रिक्स को, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा रख सकते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट को अच्छा रख सकते हैं, लेट डिस्पैच रेट को अच्छा रख सकते हैं। तो इससे आप बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाते हैं। और जो चौथी चीज़ है कि आपके प्रोडक्ट में स्टॉक होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक दो प्रोडक्ट ही है और आपके कॉम्पिटिटर के पास 50-50, 60-60 की इन्वेंट्री है और आप उससे कम्पीट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसके इसमें भी जो है बाय बॉक्स नहीं मिलता है। तो बाय बॉक्स बेसिकली मेरी पूरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपकी लिस्टिंग में बाय बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नए सेलर्स के लिए, क्योंकि नए सेलर को अगर बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो उसे ऑर्डर बिल्कुल नहीं आएंगे, और अगर बाय बॉक्स मिल जाता है तो उसे ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं, और जब ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं तो उस पर रिव्यूज़ आने स्टार्ट होते हैं, और जब रिव्यूज़ आने स्टार्ट होते हैं तो ऑर्डर्स के जो नंबर हैं वो 2x, 3x, 4x, 5x और 10x तक बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी लिस्टिंग को संभालें, लिस्टिंग को अच्छे से क्रिएट करें, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें, जो है अच्छी शिपिंग, फ्री शिपिंग देने की कोशिश करें, और फुलफिलमेंट सेंटर ट्राई कीजिए, आप FCs में भेजिए अपने प्रोडक्ट्स को, अच्छी कस्टमर सर्विस दीजिए और स्टॉक जो है वो मेंटेन रखिए। इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स भी लाया है, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, Amazon सेलर मास्टरी कोर्स। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इनरोल किया है, बहुत अच्छे फीडबैक भी मिले हैं। कोर्स को ख़त्म करने के बाद जूम सेशन होता है, सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और उसका भी फीडबैक बहुत अच्छा मिला है हमें। अगर आप रिव्यूज़ लाने के तरीके जानना चाहते हैं कि कैसे रिव्यूज़ ला सकते हैं आप 2023 में, तो साइड में वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।